एक तो है हमारा ए और दूसरा है हमारा ओ। यदि जुड़ने से ये दो शब्द आ रहे हैं तब समझ जाइए कि वहां पे हमको गुड़ स्वर संधि की प्राप्ति होने वाली है। हम जानने जा रहे हैं गुड़ स्वर संधि के बारे में, तो गुड़ स्वर संधि का एक शानदार जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसके जरिए यदि परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि गुड़ स्वर संधि बनाइए या फिर पहचानिए, तो आप बड़ी ही आसानी के साथ गुड़ स्वर संधि बना सकते हैं। तो गुड़ स्वर संधि का नियम कहता है कि जब अ या फिर आ के साथ छोटी ई या फिर बड़ी ई ये मात्राओं को जोड़ दिया जाता है तब ए बनता है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, यह गुड़ स्वर संधि का नियम है कि जब अ के साथ ई जोड़ा जाए या फिर आ के साथ ई जोड़ा जाए तब ए की प्राप्ति होती है। या फिर जब अ और आ के साथ उ या फिर उ जोड़ा जाए तो फिर हमें ओ की प्राप्ति होती है। तो गुड़ स्वर संधि में सिर्फ ये दो शब्द बनते हैं, एक तो है हमारा ए और दूसरा है हमारा ओ। यदि जुड़ने से ये दो शब्द आ रहे हैं तब समझ जाइए कि वहाँ पे हमको गुड़ स्वर संधि की प्राप्ति होने वाली है। अब हम बात करते हैं गुड़ स्वर संधि के उदाहरण के बारे में, तो देखते हैं हम उदाहरण। जैसे कि पहला हम उदाहरण देखते हैं कि नर धन इंद्र, नर और इंद्र। तो यहाँ पे तो हमको देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ई की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे अब कौन सी मात्रा है, र वाले स्थान पे कौन सी मात्रा है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि यदि कोई व्यंजन शब्द हो तो वहां पे छोटे अ की मात्रा छिपी हुई होती है। अब हमको मिल गया अ और ई, तो हमारा फार्मूला कहता है कि अ और ई के योग से ए बनता है, यानी कि हमको यहाँ पे ए की प्राप्ति होगी। तो नर और इंद्र, नर और इंद्र यदि दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पर जुड़ के ए बनने वाला है। तो न की तो न हो जाएगी, द्र की तो द्र ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो र और ई की मात्रा है चूंकि ए बन जाएगा इसलिए यह हो जाएगा रे। तो यहाँ पे हमको प्राप्त होता है नरेंद्र, यानी कि नर और इंद्र जुड़ के बन गए नरेंद्र। यहीं पे इसके जगह कोई दूसरा शब्द होता, जैसे कि मान लेते हैं एक शब्द हम देखते हैं कि नर के जगह है सुर और इंद्र की जगह इंद्र ही रहने देते हैं। तो जिस तरीके से नर और इंद्र मिलके नरेंद्र बने हैं उसी तरीके से सुर और इंद्र मिलके सुरेंद्र बनेंगे। यदि देव और इंद्र जोड़ दें तो देवेंद्र बनेंगे। तो इस तरीके से शब्द जिसमें ए की मात्रा नहीं होती है लेकिन जब उन्हें जोड़ते हैं तब हमें ए की मात्रा प्राप्त हो जाती है, गुड़ स्वर संधि कहलाते हैं। तो अभी तो बात कर रहे थे ए की मात्रा की, अब हम बात करेंगे ओ वाली मात्राओं की। जैसे कि अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं कि हमारे पास है सूर्य धन उदय। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्वर है, तो यहाँ पर हमारे पास है ओ स्वर। यहाँ पे स्वर ना होके व्यंजन है, व्यंजन है इसलिए व्यंजन में सभी व्यंजन में छोटा की मात्रा जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे हमने मान लिया अ और उ जुड़ने से क्या बनता है, नियम देख सकते हैं कि अ और उ जुड़ने से ओ बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास सूर्य और उदय है, तो ये दो चीजों को छोड़ दो, बाकी को हम लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा सु और ये हो गया हमारा द और य। अब बीच में इन दोनों को जोड़ के शब्द बनाना है, तो यहाँ पे नियम बोल रहा है कि अ और उ जुड़ के ओ बनेंगे, तो य और उ जुड़ के बन जाएंगे या में ओ की मात्रा, और ये जो रारे की मात्रा है यहीं पे रहेगी। सूर्य और उदय दोनों जुड़ के बन गए सूर्योदय। एक अन्य उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कि ज्ञान।
ज्ञान में यदि हम उपदेश यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यंजन है मतलब अ की मात्रा है और यहाँ पे उ की मात्रा है, यहाँ पे भी हमको अ और उ की मात्रा प्राप्त हो रही है। अ और उ की मात्रा जुड़ करके बनती है उ की मात्रा, तो ज्ञान और उपदेश ये दोनों को जोड़ने पे हो जाएगा ज्ञानोपदेश। तो ये तो देख रहे थे हम गुड़स्वर संधि। गुड़स्वर संधि में होता है कि दो अलग अलग स्वर मिल करके एक तीसरे अलग स्वर का निर्माण कर देते हैं, उसे गुड़स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि आ और आ, ई या फिर ई से जुड़ करके ए या फिर ए का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से आ और ऊ इन दोनों को यदि जोड़ा जाता है तो ओ का निर्माण होता है। ये आते हैं गुड़स्वर संधि के अंतर्गत।